प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को 173 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी मेरठ से लखनऊ के अलावा चेन्नई से नागरकोइल और बेंगलुरु से मदुरई रेलवे रूट पर 31 अगस्त को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन मेरठ में किया जाएगा, उसी मेरठ से जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी केशव झा, आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार 31 अगस्त को एक साथ तीन नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 31 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से वर्चुअली तीन नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये तीन नई वंदे भारत ट्रेन है, पहली मेरठ से दिल्ली के लिए, दूसरी है चेन्नई से नागरकोइल के लिए और बेंगलुरु से मदुरई रेलवे स्टेशन के लिए। तीन नई वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने चुनाव प्रचार की भी शुरुआत मेरठ से किया था और अब अपने तीसरे कार्यकाल में पहली रेलवे के कार्यक्रम में यानी कि वंदे भारत ट्रेन की जो सौगात है वो मेरठवासी को देने जा रहे हैं। साथ ही दो और वंदे भारत ट्रेन है, जो एक बेंगलुरु मदुरई और एक चेन्नई नागलोर के लिए है और ये तीन नई वंदे भारत ट्रेन इन तीनों रूट पे चलाई जाएगी, जिससे इस रूट पे सफ़र करने वाले आम यात्रियों को सहूलियत होगी। अगर खास तौर से बात करें मेरठ लखनऊ की, तो मेरठ लखनऊ पर वंदे भारत ट्रेन चलने से न सिर्फ मेरठ वासियों की बल्कि दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद नोएडा वासियों को भी लखनऊ जाने में सहूलियत होगी। तो 31 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली दिल्ली से तीन नई वंदे भारत ट्रेन को एक साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कैमरामैन सरवन के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली।